दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात कर रहे हैं माली जीपीयू वर्सेस एंड्रेनो जीपीयू। काफी सारे कमेंट यहाँ पर निकल के आए थे जिनके अंदर ये पूछा गया था कि कौन सा जीपीयू बेस्ट है, दोनों के अंदर क्या यहाँ पर फर्क है, और एक आप स्मार्टफोन लेते हैं तो गेमिंग के लिए भी आप ले सकते हैं या फिर नॉर्मल यूज के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आप गेमिंग के शौकीन बन जाएं और आपका ग्राफिक आपका साथ ना दे। तो ये वीडियो कंप्लीट देखें, इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप स्मार्टफोन परचेज करते थे डब्बे के ऊपर कौन सा ग्राफिक यहाँ पर दर्शाया गया, कौन से ग्राफिक का जिक्र किया गया जिसे आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। बात कर रहे हैं माली जीपीयू वर्सेस एंड्रेनो जीपीयू की। माली जीपीयू जाता है एआरएम कंपनी को जो कि बनाती है। माली जीपीयू यहां पर यूज होता है उन स्मार्टफोन्स में जो कि काफी बजट में या फिर काफी कम प्राइस में निकल के आते हैं, चाहे वो सैमसंग का हो या फिर माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन हो, इनके अंदर आपको माली जीपीयू ही मिलेगा। कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो कि बजट में है, और वहीं पर दूसरा होता है एंड्रेनो जीपीयू जो कि क्वालकॉम की तरफ से निकल कर आता है। यह है क्वालकॉम का जीपीयू। दोनों के अंदर अब फर्क जान लेते हैं। माली जीपीयू सस्ता है, ये एक फर्क है, और जो एंड्रेनो जीपीयू है वो थोड़ा महंगा है, ये एक फर्क है। दूसरा फर्क इनमें ये है कि जो माली जीपीयू है उसकी क्लॉक स्पीड या फिर कहें कि ग्राफिक की जो रेंडरिंग टेक्नोलॉजी है वो एंड्रेनो जीपीयू से काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर एंड्रेनो जीपीयू जो है अपनी ग्राफिक रेंडरिंग टेक्नोलॉजी अभी इतनी यहाँ पर नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि माली जीपीयू की जो टेक्नोलॉजी तेज है उसके चक्कर में वो काफ़ी हीट होता है। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि आपका स्मार्टफोन वीडियो देखते समय या फिर गेमिंग के समय या फिर कुछ वीडियो बनाते समय हीट होता है, तो वो माली जीपीयू उसके अंदर हो सकता है और उसी की वजह से वो हीट होता है। माली जीपीयू एक काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस यहाँ पर बनाया गया है ताकि मार्केट में काफ़ी चल पाए। वहीं पर जो एंड्रेनो जीपीयू है उसकी क्लॉक स्पीड थोड़ी कम तो होती है लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है, और माली जीपीयू की जो लाइफ है वो काफ़ी कम यहाँ पर हो जाती है। अब काफ़ी अलग अलग कंडीशन में दोनों यहाँ पर काम करते हैं। स्नैपड्रैगन का जो 425 सीपीयू निकल के आता है उसके साथ कभी कभी माली का भी यूज़ हो जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है, बशर्ते जो क्वालकॉम कंपनी है या फिर जैसे कि शाओमी के स्मार्टफोन काफ़ी सारे निकल के आते हैं, इनके अंदर लगभग एंड्रेनो ही मिलता है, लेकिन कुछ कुछ में यहाँ पर माली दे दिया जाता है जिनकी प्राइस लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये है। दोनों के अंदर एक तो ये फर्क हो गया, प्राइस का फर्क भी है, और साथ ही जो है आपके मन में एक बढ़िया सा सवाल ये होगा कि अब कौन सा लें भाई, आपको तो गेमिंग नहीं खेलनी है तो आप माली लें या फिर एंड्रेनो। माली की स्पीड ज़्यादा है, वो हीट होता है, एंड्रेनो की थोड़ी स्पीड कम है। ग्राफिक रेंडरिंग जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के तो देते हैं ये, या फिर उसे बूस्ट करते हैं, और सीपीयू के ऊपर लोड कम आता है और आपके स्मार्टफोन की स्पीड जो है काफ़ी तेज यहाँ पर बनी रहती है। माली जीपीयू के साथ है मल्टीटास्किंग जो है काफ़ी बढ़िया नहीं हो पाती है। ये एक काफ़ी अलग अलग हिस्सों के अंदर ये सवाल है, लेकिन किसी किसी स्मार्टफोन में ये बढ़िया हो जाती है तो प्रोसेसिंग डाउन हो जाती है। वहीं पर एंड्रेनो जीपीयू जो है वो दोनों चीज़ों को देखकर यहाँ पर चलता है कि मल्टीटास्किंग किस प्रकार से करनी है, ग्राफिक्स जो हैं कितने यहाँ पर देने हैं। 1080 पिक्सल से भी ज़्यादा पिक्सल्स की डिस्प्ले के अंदर आपको एंड्रेनो ही मिलेगा, क्योंकि वो बजट में कहाँ है फ़ोन, स्मार्टफोन 15 से 20 हज़ार रुपये नॉर्मली यहाँ पर शाओमी के स्मार्टफोन को आपको देने पड़ते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर किया जाता है। तो वाइड यूज़ हो रहा है ग्राफिक्स का आजकल, और इसी के साथ ये सब यहाँ पर हो रहा है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि कौन सा बेस्ट है, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप एंड्रेनो जीपीयू ही लें। पहला, इसकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ये जो है जल्दी से यहाँ पर डाउन होने वाला है नहीं, और जो माली जीपीयू है वो हीट होने के कारण लॉन्ग टाइम तक टिका नहीं रहता है, इसलिए जो है उसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करते हैं। दोनों बेस्ट हैं, ख़राब कोई सा भी नहीं है इनमें, बेस्ट दोनों अपनी अपनी जगह पर, लेकिन एंड्रेनो जीपीयू कुछ ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट है। तो आप ये मत सोचना कि माली जीपीयू है और काफ़ी सब बढ़िया है फ़ोन में, बस जीपीयू माली है तो मैं ये फ़ोन ना लूँ, ऐसी मतलब सोच से मत रखिए। दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं। अगर आप एक साल तक यूज़ करते हैं एक स्मार्टफोन को, उसके बाद चाहते हैं कि चेंज हो जाए स्मार्टफोन, तो आप माली ले सकते हैं। ये एक कम प्राइस का स्मार्टफोन आपको देता है माली जीपीयू। एंड्रेनो जीपीयू के साथ आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, तो एंड्रेनो जीपीयू थोड़ा सा यहाँ पर महंगा हो जाता है, क्योंकि क्वालकॉम की तरफ से निकल के आता है तो थोड़ा महंगा तो होना ही है। और जो बड़े बड़े स्मार्टफोन जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 845 है, स्नैपड्रैगन 855 के निकल के आए, उनके अंदर आपको एंड्रेनो जीपीयू ही मिलने वाला है, क्योंकि जो ग्राफिक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर यहाँ पर कर देते हैं। कंप्यूटर की बात यहाँ पर अलग है, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर एक चिप जो कि ग्राफिक के यहाँ पर लगाई जाती है उसे भी एक स्टैंडर्ड राइट यहाँ पर देना पड़ता है, ताकि
कुछ ना कुछ तो चले स्मार्टफोन के अंदर। आजकल स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर बन चुका है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है या फिर कुछ आप नया जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आशा करता हूं जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, पूछें, मैं एक और वीडियो आपके लिए बना सकता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।